या सबसे पहले तो सभी हमारे दर्शकों को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ और आप सब मीडिया वालों का ढेर सारा वेलकम हमारे सेट पे काजल के। और काफ़ी दिन से शूटिंग चलता, आज बड़ा यूँ बोली कि आज हम अपना करियर के सबसे बड़ा गाना के शूट करता नहीं काजल के। और बड़ा अलग फिल्म बा, बड़ा पारिवारिक एक अलग सब्जेक्ट पे फिल्म बा। जितना लोग भोजपुरी के बदनाम करके रख ले बा फूहड़ गीत गा के, तो फूहड़ सब्जेक्ट पे काम करके तो ढोड़ी में उंगली डाल के तो उस सब गीत गा के उस सब चीज़ ना मिली में बहुत अलग कॉन्सेप्ट है। जो ऑडियंस हमारा छूट गए वो सब ऑडियंस भोजपुरी के शायद ये फिल्म अगर चल गई तो वापस आ जाए। और काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट बा फिल्म के, ब्रिजभूषण जी के डायरेक्टर सर के काफ़ी अच्छा डायरेक्शन में फिल्म बनता। आदिल सर के थैंक्स जे इतना अच्छा कॉन्सेप्ट चुन ले, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट पे काम करता रहे। और काजल आई होप कि एक इतिहास साबित हुई भोजपुरी फिल्म ला। आज के गाने के बारे में जानना चाहूँगी। आज ये गाना भाई काजल रघवानी जी हमें बाड़ी और फिल्म में एक आइटम डांसर बा, गेस्ट अपेयरेंस करता रही। काफ़ी अलग कॉन्सेप्ट बा, काफ़ी हमारे जो कैरेक्टर वो कैरेक्टर जाता कहीं टकरा जाता ऊपर गाना बाओ। और काफ़ी भव्य गाना बा, काफ़ी भव्य तरीके से सेट लागल बा, काफ़ी भव्य तरीके से शूट होके जा रहा बा। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड, मुझे बड़ा अच्छा लगे वाला भाई गाना भाई शूट करके मज़ा आई। और बस इन्जॉय करिए आप लोग। स्पेशल सॉन्ग है, स्पेशल सॉन्ग है फिल्म के। और आइटम सॉन्ग में एक को नहीं के और टिपिकल ये भोजपुरी में चले वो सब चीज़ नहीं के, अलग कॉन्सेप्ट बा। और स्पेशल सॉन्ग में काजल रघवानी जी बाड़ी, एक गाना में अमरपाली दुबे जी बाड़ी। आज काजल रघवानी जी का शूट होता और फिल्म के गाने के जो लिरिक्स लिख ले बड़े, जो म्यूजिक डायरेक्टर बड़े एस कुमार जी, बड़ा अलग म्यूजिक बा उनका। अब तक के एक हर फिल्म से हटके म्यूजिक बाय में सुने में अच्छा लगा था, देखे में पिक्चराइज है वहाँ रामदेवन सर ने कहले बड़े, वो एक अलग कॉन्सेप्ट बा। बहुत अच्छा गाना बा, बहुत अच्छे से फिल्म शूट होता। ऑफकोर्स अच्छा है, सेट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, फिल्म अच्छी है, गाने अच्छे हैं, तो मज़ा आएगा। मैं अपने हर को एक्टर से साथ काम करने के लिए एक्साइटेड होता हूँ कि सीन कैसा हो रहा है, गाना कैसा हो रहा है। तो आई होप कि अच्छा होगा, अच्छा जाएगा आज का शूट। और फिल्म में मेरे साथ हैं काजल यादव जो टाइटल रोल में हैं, साथ में हर्षित हैं, अयाज खान हैं, अनूप अरोड़ा हैं, सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। उदय भैया जी हैं, ऑल कलाकार जितने भी लोग हैं, माया यादव जी, सब लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया, काफ़ी अच्छी फिल्म बनी है और एक माइलस्टोन साबित होगी यह फिल्म भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए आई एम श्योर। ओके देन, थैंक यू। 26 जनवरी के ढेर नवी दर्शकन बारे सब के होकर 26 जनवरी के हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। आपको भाई वो एक स्टार है, मैंने सोचा उसे ले लूँ, इसमें ले लिया मैंने, इस गाने पर वही ज़्यादा शूट कर रही थी तो ले लिया। नहीं तो और भी लोग कुछ ज़्यादा जहन में आए होंगे कि भाई ये स्टार भी चल सकती है, वो स्टार भी चल सकती है, या पहला नाम ही था काजल रघवानी का? नहीं, मेरी चॉइस तो काजल रघवानी ही थी इस गाने पे। हमने सुना है कि इसी फिल्म में अमरपाली भी एक गाना करेंगे। जी हाँ, वो भी गाना उसके ऊपर शूट करेगा, इसलिए उसको उस गाने में लिया मैंने। तो बेसिकली आइटम सॉन्ग्स आपने देखे होंगे इनके, कोई खास आइटम सॉन्ग जो आपको पसंद आया हो या कोई खास गाना जो बहुत आपके दिल के करीब रहा हो? नहीं, कोई, ये जो गाना मेरा है मेरी फिल्म का, वो गाना मेरे दिल के करीब है, इसलिए मैं ये समझ मैंने अच्छी तरह से सोचा कि जो है इस गाने पे काजल रघवानी को लूँ और उस गाने पे जो है अमरपाली को लूँ। अच्छा, फिल्म में दो दो काजल हैं आपके, एक काजल यादव मैं, काजल यादव हैं, काजल रघवानी है, मेरी फिल्म की नाम, फिल्म का नाम काजल है, तो मेरे पास तो तीन तीन काजल हैं। आपके पास तीन तीन काजल हैं, लेकिन एक ही आदित्य है। आदित्य एक है। हाँ, आदित्य एक है। कुछ और कहना चाहते हैं आप ऑडियंस से जो आपको देख रहे हैं? मैं तो ऑडियंस से यही कहूँगा कि अभी बहुत जल्दी ये फिल्म रिलीज हो रही है और सारे लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जा कर के सिनेमा घर में देखें। नहीं साहब, कुछ नहीं कहेंगे। ये जो है राजू साहब हैं, ये हम और ये दोनों आदमी मिल करके ये फिल्म बना रहे हैं। अरे वाह, आपने, ठीक है, बस वो कुछ नहीं बोले, आपने इन्होंने बोल दिया। अच्छा, ये ओके, थोड़ी देरी से ही सही, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। आप खुशी के बहुत सारे मौके हैं आपके पास, मनाने के लिए ढेर सारा वक्त है और बहाने भी बहुत सारे हैं। एक खुशी का बहाना ये भी कि आज शूट हो रही है आपकी फिल्म, बताना चाहते हो आप इसके गाने के बारे में, इसमें कौन कौन फीचर करेंगे? जी, आज शूटिंग हो रहा है और हमारी इंडस्ट्री की जो सुपरस्टार एक्ट्रेस हैं काजल रघवानी जी, उनके ऊपर ये गाना पिक्चराइज्ड होने वाला है और
और बहुत खुश हूँ मैं, क्योंकि मेरी फिल्म में बहुत अच्छे अच्छे स्टार्स लोग आते गए हैं, जैसे अमृपाली जी भी हैं, उनका भी गाना होने वाला है 4 तारीख को। तो मैं बहुत ही अपने आप को लकी फील करती हूँ कि मेरी फिल्म में इतने लोग, इतने बड़े बड़े लोग जो हिस्सा लिए हैं, और बहुत खुश हूँ। खुशी का तो वाकई में बहुत से रीज़न्स है मेरे पास, और आज मेरा वर्क काजल फिल्म से कम्प्लीट हो जाएगा और हमारी फिल्म ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुकी है। ये बहुत ही खुशी की बात है मेरे लिए, क्योंकि जैसे कि काजल बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी मेरे ऊपर, क्योंकि मेरे नाम पे ये फिल्म बन रही थी, तो बहुत से लोगों को ऐसा लगता था पता नहीं शूट होगा या नहीं होगा। ऐसे तो बहुत लोग बड़ी बड़ी चीज़ें करते हैं बट उसको एक मुकाम हासिल नहीं होता, बट मैं बहुत खुश हूँ, खुशनसीब मानती हूँ। ये सब हमारी ऑडियंस का प्यार है, आशीर्वाद है, जो आज मेरी फ़िल्म कंप्लीट हो जाएगी। और बस मैं यही चाहूँगी, ये फ़िल्म जब भी सिनेमाघरों में लगे, आप सब इसे बहुत सारा प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए और खूब देखिए इस फिल्म। या नमस्कार, मेरा नाम उदय श्रीवास्तव है और काजल में हीरो के फादर का रोल कर रहा हूँ मैं। फिल्म बहुत अच्छी बनी है, इसके डायरेक्टर ब्रज भूषण जी और आदिल अहमद जी इसके प्रोड्यूसर हैं, दोनों बड़े अच्छे इंसान हैं। और आज बड़े खुशी का मौका है कि काजल के नाम पे ये फिल्म बन रही है, और मैं इनके मदर के साथ भी काम कर चुका हूँ, माया जी के साथ, और आज काजल अगवानी जी का गाना है। और अभी 2 दिन पहले हम लोग साउथ में शूट कर रहे थे, काशी विश्वनाथ की शूटिंग कर रहे थे साथ में, तो लगभग हमारी करीब करीब 300 फिल्में भोजपुरी की रिलीज हो चुकी हैं और काफ़ी फिल्में किया हूँ। बस इन दिनों कुछ भोजपुरी में अश्लीलता कुछ ज़्यादा हो गया है, जिसके प्रति बड़ा दिल में दुख होता है कि जिस भोजपुरी को मिठास के लिए जानते थे आज आइटम के लिए जाना जाता है। लेकिन लोगों में इधर फिर सोच बदली है और कोशिश कर रहे हैं, और कई लोगों ने आवाज़ भी बुलंद की है कि अश्लीलता के विरुद्ध फिल्म बनाई जाए, और उसकी पहल काजल से मुझे लगता है कि इसकी शुरुआत है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि फिर से वो दौर शुरू हो, क्योंकि मैंने राकेश पांडे जी के साथ, सुजीत कुमार जी के साथ, कुणाल जी के साथ काफ़ी फिल्में की हैं, करीब करीब एक एक एक्टर के साथ 20-20 फिल्में की हमें। शत्रु जी के साथ राजा ठाकुर उसका मेन विलेन था, टीनू वर्मा डायरेक्टर थे उसके, धरती कहे पुकार के असलम शेख जी के साथ उसमें करप्ट पुलिस इंस्पेक्टर था मैंने। इसके अलावा भी बलमा नादान, सुहाग बिंदिया, बिहारी बाबू, छोटकी बहू, कई फिल्में एज ए हीरो भी आई, और करीब 50 से ऊपर फिल्में एज ए मेन विलेन भी हमारी आई। अब तो फादर का भी रोल कर रहा हूँ तो अच्छा लगता है, भोजपुरी से बहुत प्यार है, भोजपुरी के लिए मैं जीता हूँ। वैसे यहाँ थिएटर में हिंदी थिएटर करता था, मिस्टर के रैना इला रून के साथ मैं थिएटर करता रहा हूँ, लेकिन भोजपुरी से प्यार है मुझे। हिंदी की भी 25-26 फिल्में रिलीज है हमारी। अभी हाल में पिछले वर्ष में बदलापुर बॉयज एक फिल्म आई थी, बहुत मेजर रोल था तो, और अभी आगे भी कुछ फिल्में कर रहा हूँ हिंदी की, बट भोजपुरी मेरी मातृभाषा है और मैं इसको बहुत प्यार करता हूँ। मेरी अपकमिंग फिल्म है जमाई राजा, मजगल गदर प्यार में, चिराग और काजल आज कंप्लीट हो जाएगी। जी, मैं हमारी ऑडियंस को कहूँगी हैप्पी रिपब्लिक डे, खुश रहिए अपने जीवन में, और रिपब्लिक डे बहुत ही अच्छा एक इसे सेलिब्रेट किया जाता है, तो आप सब अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय। जी, सबसे पहले सारे भोजपुरी समाज को मेरा प्रणाम। ज़्यादा भोजपुरी नहीं आता लेकिन हिंदी में बोलूँगा। ये आज काजल फिल्म का स्पेशल सॉन्ग है, और इस फिल्म में आपको बहुत संस्कारिक वीडियो मिलेंगे, और इन्होंने बहुत अच्छा म्यूज़िक दिया है। मेरा पहला भोजपुरी इन्हीं के साथ था, दुलाई सेन चाई, उसके बाद ठोक देव, उसके बाद ये फिल्म कर रहा हूँ काजल। और बहुत अच्छे लिरिक्स मिलेंगे आपको इस फिल्म में, बहुत ही डिसेंट वीडियोस मिलेंगे जिसकी तलाश में आप लोग हमेशा रहते हैं। आप बताएं जरा इस गाने के लिए, बेसिकली भोजपुरी करना मतलब भोजपुरी की अपनी एक ऑडियंस होती है, उसके अपने स्टेप्स होते हैं, तो उसके लिए क्या कुछ नया आप देख पाएंगे लोग आपके गाने में? आज का सेट जो है बहुत महंगा सेट है,
और इसमें काफ़ी खर्चा किए हैं प्रोड्यूसर साहब ने हर गाने में, सिर्फ इसी गाने में नहीं। और ये फिल्म का स्पेशल सॉन्ग है, हम लोग इसको आइटम सॉन्ग नहीं बोल सकते हैं, जैसे श्रीदेवी के टाइम पे आइटम सॉन्ग होता था, माधुरी के टाइम पे आइटम सॉन्ग होता था, उस तरह का एक स्पेशल सॉन्ग होगा। और इसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको अच्छे टुमके मिलेंगे, थोड़ा सा मैं हमेशा कोशिश करता हूँ साउथ का पैटर्न डालने की। म्यूजिक के बारे में बताएं जरा। सर म्यूजिक अभी आप लोग सुनेंगे तो बताएंगे, म्यूजिक बहुत अच्छा बना है और म्यूजिक अच्छा और लिरिक्स जब अच्छा होता है, जब अच्छे इसमें कोरियोग्राफी हो, तो मुझे बहुत संतुष्टि है। और काफ़ी दिनों के बाद मैं इनके साथ काम करने का मौका मिला है, जो मेरे गानों को 4 चांद लगा दिए इन्होंने, और कुछ स्पेशल सॉन्ग है तो और मज़ा आएगा। हमेशा अच्छे करते आए हैं, ये भी अच्छा होगा उम्मीद है। मुझे 4 चांद का तो पता नहीं, लेकिन 1 चांद आपकी फिल्म में काजल राघवानी जरूर है। जी 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 जी, और वो हैं काजल राघवानी जी हैं तो और अच्छा है, और अच्छा होगा गाना। काजल राघवानी है, फिर प्लस काजल यादव है, प्लस अमरपाली दुबे भी हैं, तो आप लोगों को काफ़ी वेरिएशन मिलेगा, सब चांदी चांद है, चांदनी भी बोला जाए। शुभकामनाएं हैं फिल्म के लिए। थैंक यू सो मच। और मेरा तीसरा गाना 100 मिलियन क्रॉस हुआ है, पलंगिया रात भर सोने ना दिया, उसके लिए तय दिल से शुक्रिया। और सिर्फ म्यूजिक कंपनी से इतने रिक्वेस्ट करूंगा कि कोरियोग्राफर और कैमरामैन का भी नाम मेंशन कीजिएगा, क्योंकि हमेशा म्यूजिक डायरेक्टर का नाम होता है, सिंगर का नाम होता है, हीरो हीरोइन का नाम होता है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर का होता है, कोरियोग्राफर और कैमरामैन का नाम नहीं होता है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है हर म्यूजिक कंपनी से कि नाम मेंशन कीजिएगा कि कौन ठंड में, बारिश में, धूप में कितना मेहनत करके शूट करके वीडियो आप लोग तक पहुँचाता है। थैंक यू सो मच। जी जी, होना चाहिए। नज़र आ रहे हैं, ठंडी सिर्फ आपको लग रही है? मैं भी हूँ। नहीं, दरअसल सेफ्टी लेनी पड़ती है क्योंकि आगे काम बहुत है और पिक्चर का आज लगभग समापन है, क्योंकि इसके बाद बस एक अमरपाली जी के एक गाने हैं वो होना है, और बाकी फिल्म आज कंप्लीट है लगभग। और ख़ास करके काजल फिल्म के बारे में बताना चाहूँगा कि इसमें यूनिट में जितने लोग हैं, एक कैमरा के आगे और कैमरा के पीछे, आगे में जैसे आदित्य जी की पोटेंशियलिटी देखने को मिलेगी पहली बार ऑडियंस को, काजल तो ऑलरेडी प्रूफ कर चुकी हैं और इसमें शायद प्रूफ के भी आगे कुछ प्रूफ करने वाली हैं। रामदेवन जी हमारे डांस डायरेक्टर, सारे गाने इन्होंने किए हैं और बड़े लगन से सब्जेक्ट को समझते हुए और फिल्म के मूड को समझते हुए करने वाले डांस डायरेक्टर बहुत कम हैं। जो भी हैं बस वो झपाझप कर जानते हैं, लेकिन खैर औरों की शिकायत ना करूं, लेकिन रामदेवन जी की तारीफ ज़रूर करूँगा। कैमरामैन भी हमारे त्रिलोक जी ने काफ़ी अच्छा काम किया है, जो काम सिर्फ ट्रॉली से हो सकता था उसको क्रेन से किया है, जो क्रेन से हो सकता था वो जिमी जिप से किया है। तो इस तरह से कैमरा के आगे पीछे सारे लोग, म्यूजिक डायरेक्टर खास करके, क्योंकि संगीत तो फिल्म का जान होता है, और एस कुमार जी ने जो म्यूजिक दिया है, मुझे लगता है कि शायद सब लोग को मानना पड़ेगा कि अब तक जो दिए हैं उसमें कुछ बेहतरीन ही काम हुआ है इस फिल्म में। और सबों का काम चूँकि अच्छा हुआ है, तो कप्तान होने के नाते मैं भी अपनी तारीफ कर लूं कि मैंने सबों से अच्छा काम ले लिया है। तो इस तरह से फिल्म बहुत अच्छी बनी है। और भोजपुरी, मैंने कभी स्टेटस में लिखा भी था कि भोजपुरी एक करवट लेने जा रही है, तो शायद काजल से ही करवट ले रही है। हाँ, और ये एक अच्छी करवट है जो और प्रोड्यूसरों को भी इंस्पायर करेगा, चूँकि AR डिजिटल एंटरटेनमेंट के तहत जो ये बन रही है काजल, इसके जो निर्माता हैं आदिल साहब, उन्होंने कमाल अमरोही साहब कभी कहा करते थे कि मैं हीरोइन का हेयर पिन तक खुद से लगाता हूँ, बीइंग ए डायरेक्टर बीइंग ए प्रोड्यूसर। तो डायरेक्टर तो खैर मैं रहा ही हूँ, लेकिन एज ए प्रोड्यूसर उन्होंने हेयर पिन तक खुद से खरीदा है, कान के झुमके लाया है सब कुछ, और लगाने में भी बड़े बारीकी से ध्यान रखा है कि हीरोइन हमारी खूबसूरत दिखनी चाहिए। तो जब खूबसूरत हीरोइन और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखे, तो समझिए कि सोने पे सुहागा हो जाता है। और हमारी ऑडियंस को काजल यादव की जितनी भी फिल्में देखे होंगे, उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत इस फिल्म में लगेंगी, और उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ही आगे भी ये दिखती रहेंगी।
काजल जी बड़ी तारीफें की, 10 फीट की चूड़ियां, 12 फीट के दिल, ये सब भूल गए सर। बिल्कुल, कमल का फूल आज, क्या क्या है ये सारी बातें, ये सारी बातें। कैसा लगता है जब कोई इतना विश्वास जताता है आपके ऊपर, जिसको कि कैप्टन कहा जाता है जहाज का, जब वो इतना विश्वास जताता है तो प्रेशर, उम्मीदें काफी ज्यादा बढ़ नहीं जाती? बहुत बढ़ जाती है, बहुत प्रेशर फीलिंग होता है। जैसे कि सर ने कहा कि अब तक की मेरी बेस्ट फिल्म होगी, तो ये वर्ड ही बहुत काफ़ी होता है जब हमारे डायरेक्टर सर या कोरियोग्राफर सर इतनी बड़ी बड़ी बातें कहते हैं। और प्रेशर तो बड़ा ही है अभी 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 बातें सुन के सर जी की, और अभी ऐसे लग रहा कि आगे भी मैं ऐसे प्रोजेक्ट्स करूं जो काजल से बढ़कर हो, ना कि उससे डाउन हो। तो थैंक यू सर। अब बात, फिल्म एडिटिंग कम्प्लीट हो चुकी है और इसलिए मैं देख के बोल रहा हूँ, फिल्म देख के बोल रहा हूँ, फिल्म सिर्फ बना के नहीं बोल रहा हूँ। और जितनी भी बातें कही हैं, रामदेवन जी की तारीफ़ हो या म्यूजिक की तारीफ़ हो या फिल्म की तारीफ़ हो, वो सब देख के कह रहा हूँ। अब बाकी तो ऑडियंस है, ऑडियंस सर्वोपरि है, अब वो कहाँ तक लाइक करती है ये उन पर डिपेंड करता है। सर मुझे भी थोड़ी तारीफ करनी है, मुझे भी थोड़ी तारीफ है। या ऑफ कोर्स, इस फिल्म में मैं एक अलग ही लुक, अलग ही गेटअप में दिखूंगा। सिर्फ मैं खुद के नहीं बोलूंगा, अब तक जितने भी हीरोज ने काम किया सबसे एक अलग शेड में मैं दिखूंगा, और एक अलग ही फिल्म होगी काजल मेरे लिए। ब्रसर के डायरेक्शन में सर ने जो काम कराया है, और म्यूजिक, या स्पेशली आदिल सर जिन्होंने एक एक बारीकियों पे खुद ही ध्यान दिए, एक एक चीज़ें जो डिमांड होते थे हमारे डायरेक्शन टीम से लाया, पिन से लेकर के दिल तक पिन से लेकर दिल तक। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, 2004 से भोजपुरी फिल्म में कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। शायद ही काजल जैसी कोई फिल्म बनी होगी तो प्लीज़ आप लोग थिएटर में देखिएगा, यूट्यूब में नहीं, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। एक बात और है, इस फिल्म में एक और नयापन यह है, जो हमारी पुरानी आदत रही है कि कुछ नए लोगों को इंट्रोड्यूस करना, तो इसमें एक सेकेंड हीरो के तौर पर हर्षित नाम का एक लड़का आया है जो साउथ से है और बहुत ही अच्छा काम किया है। मुझे तो लगता है, कभी हीरोइन ने कहा था अपने इंटरव्यू में कि तो लगता ही नहीं है एक्टिंग कर रहा है, तो शायद मुझे पहले लगा कि शिकायत कर रही है या बड़ाई, तो बाद में महसूस हुआ कि नहीं, तारीफ कर रही है। चूँकि एडिटिंग के बाद देखा कि इज़ ए वेरी गुड डांसर, बहुत अच्छा डांस भी किया है और एक्टिंग तो ऐसा किया है कि लगता ही नहीं है एक्टिंग कर रहा है। आप इन्हीं के मुँह से सुनिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग, आई अंडरस्टैंड कन्नड़ा, सो व्हाट लैंग्वेज वुड यू लाइक टू? तेलुगु। यस, तेलुगु, सो आई विल आस्क इन इंग्लिश। आई कैन ऑल्सो स्पीक इन भोजपुरी एंड हिंदी ऑल्सो। भोजपुरी, ओके। हर्षित, का हाल? क्या हाल है हर्षित? हम ठीक बानी। कौन सी फिल्म शूट कर रहे हो आप यहाँ पे? काजल। ब्रज सर ने बड़ी तारीफें की आपने, आपकी तारीफें की, हालांकि मुझे लगा कि पहले शिकायत कर रहे हैं, फिर लगा कि देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलूँगा कि ब्रज सर ने, आदिल सर ने मुझे मौका दिया इसमें काम करने के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड डांस में तो मैं बोलूँगा कि मैं बहुत डरा हुआ था कि रामदेवन सर हैं और वो बहुत डांटते हैं सेट पे, तो उसके बाद पता चला कि मुझे बहुत अच्छा लगा और मतलब बहुत कुछ सीखने को मुझे मिला। और ओवरऑल एंटायर टीम बहुत अच्छी है, काजल जी, आदित्य मोहन जी बहुत अच्छा काम किए हैं मेरे साथ में, और एंटायर द टीम, ऑल द पीपल्स आर वेरी गुड। तेलुगु में जब आप वहाँ काम करते थे, भोजपुरी फिल्में देखते थे हर्षित? एक्चुअली मैं, मेरे घर में कोई भोजपुरी नहीं बोलता है, तेलुगु बोलते हैं, लेकिन हाँ कि भोजपुरी में अभी मुझे आगे जाना है। एक्चुअली ये फिल्म देखना भोजपुरी शुरू किए हैं जब इनका सिलेक्शन हो गया इस फिल्म में। अभी और एक एक रात में तीन तीन चार चार फिल्में देखी हैं। मैम का फिल्म देखा हूँ, आलोक अरोरा सर का देखा हूँ, काजल जी का मोहब्बतें देखा है और बहुत अच्छा लगा मुझे तो। आदित्य मोहन जी की काजल देखूंगा। तो एक थैंक्स बोलूँगा कि सारे लोगों को, मतलब बहुत थैंक्स बोलूँगा कि मुझे मौका मिला और इतनी बड़ी फिल्म है, और रामदेवन सर कुछ गलती होगी तो माफ़ कीजिएगा। और एक बात और है कि इस फिल्म में एक खास बात रही है कि पत्रकारों का बड़ा सहयोग रहा है, क्योंकि मैं जहाँ भी गया हूँ तो सारे लोग बोलते साहब आपके काजल का बड़ा नाम है। हमने कहा नाम है, कैसे नाम है? तो नहीं, आपका वो न्यूज़ देखा, आपका वो यूट्यूब पे देखा, आपका वो इंटरव्यू देखा। तो मुझे लगा नहीं कि ये लोग कब छिप छिपा के सबसे इंटरव्यू लेते गए और आज यूट्यूब भरा हुआ है काजल से। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा सहयोग है पत्रकारों का, और ऐसा ही सहयोग रहा तो निश्चित कहूँगा कि ये फिल्म हिट होगी। इसे मैं तारीफ के तौर पर एक्सेप्ट करता हूँ। थैंक यू। क्योंकि आप लोग हमेशा हम लोग को फेमस करते हो। बिल्कुल, बिल्कुल।
आइए सब लोग, आइए सब लोग। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।